Hey guys, welcome back to another vlog. तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सबको सब बढ़िया होंगे. आज काफ़ी दिनों बाद अपने घर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले लगातार दो दिन से यहाँ बारिश पड़ रही है और आगे भी काफ़ी दिनों तक यहाँ पे बारिश दिखाई गई है. तो काफ़ी दिन तक तो घर से बाहर निकलना एक्चुअली बंद सा हो गया. ठंड है, बारिश पड़ रही है, तो बाहर भी कैसे निकले. और बाइक हमारे पास, गरीब लोग, हमारे पास कार तो है नहीं. कार तो पापा जी की और हमें चलानी नहीं आती. बाइक में कहाँ जाए, गए भी तो फ़ोन भी भीग जाएगा, बाइक भी भीग जाएगी, हम भी भीग जाएंगे. मुझे बीमार होने का कोई शौक नहीं है और इस टाइम तो सब बीमार चल रहे हैं. कोरोना की थर्ड लेयर भी आ चुकी है. तो आज मैं निकला हूँ घर से बाहर थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम ठंड में कैसी हालत हो रही है हम लोग की. और वाइड एंगल दिख रहा होगा आप लोग को, तो कमेंट करो नीचे कि कौन से फ़ोन से मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग. तो लास्ट में बता दूंगा ब्लॉग के कि यहाँ पे मैं कौन से फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा था एक्चुअली. तो बने रहिए वीडियो के साथ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. होप करूंगा कि आप, मैं फुली एंटरटेन करूं. तो बनी रही ब्लॉग. तो अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूं. तो ये मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे आप, ये जो रास्ता है वो मेरे घर के लिए जाता है. और यहां से सीधी चढ़ाई है एकदम, देखोगे देखना चाहते हो देखो, ये देखो ज़रा आप, ये देखो गाइस, पूरी सीधी चढ़ाई आती है और ये सीधी उतरा जाती है मेरे घर के लिए. तो ऐसी जगह पर रहता हूँ मैं. हाँ, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए. तो अभी भी रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही है. होप करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं. मैं ज़्यादा देर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर व्लॉगिंग किया और एक दिन से बारिश पड़ गई, मुझे अपनी टेंशन है अगर पापा का फ़ोन भीगा तो भैया मेरी लगने वाली है वाट, मेरी वाट लग जाएगी. मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वाट लगे. तो बस ये बेसिकली मैं व्लॉग इसलिए बना रहा था कि थोड़ा सा ये कैमरा टेस्टिंग के लिए इस फ़ोन का, कि इसका फ़ोन का वाइड एंगल बहुत अच्छा है. हाँ, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ. और ये देखिए गाइस, आगे से ये दो बदमाश आ रहे हैं, ये हमारे घर के बदमाश हैं. और ये कहीं तो लड़ाई होने वाली शायद, एक मिनट रुकिए ज़रा. ये देखो, हेलो टाइसन, हेलो टाइसन, हेलो. कहाँ घूम रहे तू, कहाँ घूम रहे इतनी बारिश में? गाइस काट रहा है जैकी. गाइस ये भी मेरा कुत्ता है और ये भी, ये बहुत बेशर्म है गाइस. चलो घर चलो, चलो घूमने आए हैं गाइस ये लोग, इनको घूमने देते हैं. और यहाँ पे देखिए, ये थर्ड पार्टी आ गई यहाँ पे, ये शायद लड़ेंगे. लड़ना नहीं जैकी, लड़ना नहीं बच्चे, लड़ना नहीं. तो ये हमारे घर के दो बदमाश है. और एक गाइस जो छोटे वाला बहुत कमीना है, उसे कमीना तो क्या, बहुत शैतान है एकदम. तो अभी मैं थोड़ा सा घूमने के लिए आया हूँ यहाँ पे. बाकी मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, मौसम बहुत गंदा वाला ख़राब सा हो रखा है. इतने ठंड में बारिश पड़ गई ऊपर से, क्या ही करें. और थर्ड लेयर कोरोना की आ चुकी है, तो वैक्सीन भी अवेलेबल हो गई है 15 से अब वालों को. एज वालों को तो जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है वो जाके लगवा लीजिए. मैं क्या ज्ञान फैल रहा हूँ, मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि बारिश पड़ रही है गाइस, तो बाहर भी कैसे निकले. तो मैं भी थोड़ी देर बाद जाके वैक्सीन लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. बेसिकली हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल को उसका सेंटर बनाया गया और उसी स्कूल में उसको वैक्सीन लगेगी. तो मुझे अभी तक स्कूल में कोई नोटिस नहीं आया है. मैं दो दिन वेट करूँगा, अगर नोटिस आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं किसी बाहर जाके मैं वैक्सीन लगाने वाला हूँ. बाकी मेरे फ्रेंड जो मेरे क्लासमेट है, उन लोगों ने भी दूसरे स्कूलों से लगवा ली है वैक्सीन, तो शायद मैं भी लगवा लूँ. हाँ, एक तो गाइस मैंने ये स्टैंड ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट वालों से, फ्लिपकार्ट वालों ने अभी तक मेरा स्टैंड अभी तक डिलीवर नहीं किया है, अभी तक डिलीवर नहीं किया. मैं कब का ऑर्डर कर दिया, दो बार ऑर्डर करके मैं उसे कैंसिल कर चुका हूँ, फिर अभी दोबारा ऑर्डर किया है. वो हर बार अपने आप कैंसिल हो रहा है और वो लोग रिफंड दे देते हैं. भाई ये क्या बात है, रिफंड नहीं चाहिए हमको, हमारा ऑर्डर चाहिए. गाइस मेरे को पता ही नहीं कि मेरे कैमरे के आगे होश पड़ गया, कुछ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद, मुझे नहीं पता. एडिटिंग के टाइम देखा जाएगा वो सब. अब बाकी यहाँ का व्यू तो एकदम मस्त है, लेकिन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही है बारिश की, और हवा भी चल रही है बहुत ठंडी ठंडी. बाकी मेरे को टाइम टाइम चेक करना पड़ेगा कि कहीं हो ना रहा हो, कहीं कैमरे के आगे ओस ना आ जाए और मेरा कुछ रिकॉर्ड ही ना हो ढंग से. बाकी यहाँ की, इस फ़ोन का मुझे वाइड एंगल काफ़ी पसंद आया वैसे तो. हाँ, तो गाइस वैसे तो मैं कहीं बाहर निकलने वाला था नहीं, क्योंकि निकल भी नहीं सकते इस टाइम पर, कहीं भी बाहर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि घर वाले ऐसे अलाउड नहीं करेंगे. अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं ब्लॉक करने के लिए बाहर आया हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बारिश चुकी थी. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि नेक्स्ट ब्लॉक कब तक आएगा. तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉक तो अब तभी आएगा जब थोड़ी बारिश चुकेगी. एक तो मेरा गाइस जो मेरा सेटअप है जो मैंने ऑर्डर कर दिया एक्चुअली, जैसे वो ऑर्डर आएगा वैसे ही धमाकेदार से शुरू हो जाएगी. और आप लोगों का सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट देख के. ऐसे अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखो गाइस, हम लोग आगे फ्यूचर में हम लोग बहुत धमाकेदार सीन करने वाले हैं. और मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 500 करवा दो यार, 500 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो, मज़ा आ जाएगा. और हमने तो अभी आगे भी बहुत साथ जाना है. तो यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा पापा की कार में जाके बैठेंगे. चला तो चलाना तो आता नहीं हमको,
जाके बैठेंगे। चलो वहां जाके बैठते हैं थोड़ा सा। सो हे गाइस, अभी कार में आके बैठ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैं सेटिंग वगैरह कर रहा था, इसमें सॉन्ग नहीं लग रहा था। कैमरा इतनी दूर रखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आगे रखने की जगह नहीं है। कैमरा को तो मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा तो कैमरा दिखेगा, गाड़ी भी दिखेगी मतलब। तो अभी मैं इसकी सेटिंग कर रहा था, गाने वाने बजा रहा था। तो थोड़ा सा बैठेंगे यहाँ पर, थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, इंजॉय करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद घर चले जाएंगे। कार चलाने मेरे को आती नहीं है, फ़ोन करता हूँ अपने दोस्तों को। थोड़ी देर आगे बैठेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर। बारिश के टाइम पर यही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो होप करता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में होंगे, जो हिमाचल में रहते हैं, जो बाहर भी रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि काफ़ी जगह अभी लॉकडाउन लग चुका है। तो आशा करते हैं सब अपने अपने घरों में होंगे और मौज मार रहे होंगे। तो अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ी देर गाना वगैरह सुनेंगे। मैं फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो हम लोग को तो एक सेकेंड यार, ये थोड़ा साउंड कम करता हूँ, हम लोग आवाज़ नहीं आएगी वरना। अरे साउंड कम हो जा। देखो भाई, आप लोग के सामने गाने वैसे सुनने पड़ रहे हैं जिसमें कॉपीराइट ना बजे, क्योंकि अगर मैंने कोई और गाना सुना आप लोग के सामने उस ब्लॉग में डाला तो उसमें मुझे पड़ जाएगा कॉपीराइट। और मैं फोन गिर गया था दोस्तों, हमारा फोन गिर गया था अभी। अगर फोन कुछ भी होता, शुक्र है सीट पे, अगर नीचे करता तो, अगर ये फोन टूटता ना अगर, तो मेरे को मेरे पापा ने उठा देना था। तो यहाँ पे ज्यादा रखे ब्लॉग नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा अगर गिरा, अगर गलती से नीचे गिरा तो मैं तो गया। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ ये सॉन्ग आप लोग को ब्लॉग में दिखाने के लिए। तो भैया मुझे सॉन्ग भी चूज करने पड़े जो नॉन कॉपीराइट हो। हेलो गाइज, ये आ चुका है हमारे पास। लाइक कमेंट कर दिया नहीं किया, गए तुम लोग गए सबके साथ। ऐसा होना ना अगर व्यू चेक होने वाला। ओ भाई, अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ी पागलपंती करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर घर जाएंगे। बने रहो ब्लॉग के साथ। गाड़ी चला रहा हूँ गाइस, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम्हें लगने लगी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। गड्ढा देख के, गड्ढा देख के। ओ भाई, आगे का ठुल्ला खड़ा है और ये मैंने काट लिया यहाँ से। ओ कॉन्ट्रिंग मार रहा हूँ गाइस मैं, कॉन्ट्रिंग बस बस, अब सीधा रोड आ गया गाइस। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह ज्यादा कॉन्ट्रिंग मारे गाइस, मेरा टायर बाहर निकल जाए कहीं। गाना लगाता हूँ गाइस, लेकिन मुझे गाना भी वो लगाना पड़ेगा जिसमें कॉपीराइट ना पड़े मेरे को, वरना कॉपीराइट बढ़ जाएगा। कहाँ गया गाना, आगे देख के चलना पड़ेगा मेरे को, वरना मेरा काम हो जाएगा। लग गया गाना गाइस, चलिए कुम्मण फिर कॉन्ट्रिंग, फिर कॉन्ट्रिंग, सीधा रोड। मैं गाइस हाथ छोड़ के गाड़ी चला लेता हूँ ऐसे ऐसे करके, बस देख रहे हो। बस गर्मी लग रहा है पहले। जब मैं आशिक आए रे कसम से, करम से, कसम से जिगरा तक ना चूर है। गाने से डालने वाला हूं नहीं व्लॉग में, मुझे पता सारा कॉपीराइट पड़ जाता है। तो गाइस हम लोग निकल गए कार से, अब मैं घर जा रहा हूँ। बारिश पड़ रही है, मैं गिर ना जाऊँ, यहाँ पे स्लिपरी बहुत है। तो ये व्लॉग हम लोग करने वाले अब यहीं पर एंड। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जो भी चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक जरूर कर देना याद से। और मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों से अगले अलग ही व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Trapping out the band on.